मैं आशिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे व्यूअर के लिए है, जो मिराज अख्तर, जिनका नाम है मिराज अख्तर। उन्होंने दो दिन पहले मैंने जब एम्बेसी कार्ड कैसे बनवाएं इस नाम का एक वीडियो डाला था, तो उस पर उनका कमेंट आया। शायद वो उस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए थे, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ। तो एम्बेसी कार्ड में क्या क्या लगते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, इसके लिए आप इस वीडियो का मतलब पहले वाला पार्ट देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं खास करके मिराज अख्तर जी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आप प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एम्बेसी कार्ड बनवाने के लिए बहुत परेशान हैं, तो आपकी परेशानी इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। हालांकि परेशान मैं भी था, मैं भी एम्बेसी कार्ड बनवाने के चक्कर में दो बार रिटर्न हो गया हूँ। दो बार रिटर्न होने के बावजूद भी मैंने तीसरी बार में क्या क्या कमियाँ रह गई थी, उस कमियों को सुधारते हुए मतलब अपना काम करवा लिया था। तो कमियाँ क्या रह जाती है, जैसे कि आप जिस मकान मालिक का नागरिकता लेके जा रहे हैं, जिस मकान मालिक का नागरिकता मतलब नाम जो है, पानी का, बिजली का, या दोनों में से किसी एक बिल जो आपको साथ में लेके जाना हो, तो उस बिल पर भी उस नागरिकता वाले का नाम ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने जो नागरिकता लेके गया था, तो उसमें बिजली का बिल जो आता है, बिजली का बिल वो हमारे घर पट्टी के पिताजी के नाम से था। तो पिताजी के नाम के होने के वजह से, और उनके पिताजी का देहांत हो गया है, तो उनका नागरिकता नहीं था उस समय, उनका नागरिकता कहीं खो गया था या कुछ हो गया था। तो मेरे घर पट्टी जो है वो बोले कि अब पिताजी के नाम से, अब अपने नाम पे जब मैं ट्रांसफ़र करवाऊंगा तब बनवा लेना, दोनों का जब नाम सेम हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। लेकिन मुझे तत्काल एकदम ज़रूरी हो गया था एम्बेसी कार्ड का, तो ऐसे में मैंने क्या किया कि मैं जब जिस रूम में रहता हूँ उस रूम के घर मालिक का जो था उसमें बनाया, दुकान वाले घर मालिक से नहीं हो पाया। तो रूम में जो रूम में रहते थे उस रूम के मकान मालिक के नाम से नागरिकता और बिजली का बिल था, दोनों था, तो दोनों मेरा काम हो गया। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो नागरिकता लेके जा रहे हैं तो बिजली बिल भी उसी नागरिकता के नाम वाले के नाम से होना चाहिए, ये अनिवार्य है, अन्यथा आपको लौटा दिया जाएगा और आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। शुरू में ही एंट्रांस में ही देखते हैं कि आप नागरिकता लेके आए हैं, बिजली बिल लेके आए हैं, ठीक है, आपको गेट के अंदर जाने देंगे, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म सबमिट करने जाएंगे, तो उस वक्त आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो कुछ भी बोलना होगा आप बोलेंगे, लेकिन वो नहीं मानने को कोई तैयार नहीं होते। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके सामने बोल पाना भी मतलब मुश्किल सा हो जाता है। जैसे कि आप जो लीगल है वो लीगल काम कीजिए ना। तो इसके लिए आपको नागरिकता में जो नाम है वो बिजली का बिल में भी वही नाम होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। अब नागरिकता का फोटोकॉपी जो है, नागरिकता का फोटोकॉपी के पीछे आपको घर मालिक का हस्ताक्षर करवाना है, यानी कि सिग्नेचर करवाना है, और उनसे ये लिखवाना होगा, आपका जो नाम है वो पहले नाम लिखवा लीजिए। मान के मेरे व्यूअर हैं वसीम अख्तर, उन्होंने कमेंट किया था, तो ठीक है वसीम अख्तर आपके लिए मतलब आप ये लिखिएगा, वसीम अख्तर मेरे घर में विगत 3 वर्ष देखी या 4 वर्ष, आप जितने साल से रह रहे हैं वो लिखवा लीजिएगा, समझ गया। ये सपोज कीजिए आप 3 वर्ष से हैं, तो ये लिखिएगा आप, वसीम अख्तर मेरे घर में विगत 3 वर्ष देखी बस्दै आएको छ, उहाँ राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ राम्रो व्यक्ति हुनुका साथै असल स्वभाव र इमानदार पनि हुनुहुन्छ, त्यसको प्रमाण स्वरूप मैले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी र बिजुली बिलको फोटोकपी दिएको छु। बस इतना लिखवा के आप नीचे साइन करवा लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप इतना काम कर लीजिएगा, आपका काम 100% हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको कोई कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, जरूर से जरूर दूंगा, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।